हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमको सामग्री चाहिए, एक मीडियम साइज का आलू कद्दूकस किया हुआ, एक मीडियम साइज का आलू, एक टुकड़ा गोभी वो भी कद्दूकस किया हुआ, मीडियम साइज का गाजर वो भी कद्दूकस किया हुआ, एक फाइन चॉप किया हुआ प्याज, दो चॉप ग्रीन चिली, थोड़ा सा हरी धनिया और एक कप सूजी। मसाले में हम लोग लिए हैं 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना, और 1 पिंच बेकिंग सोडा। और तड़के के लिए हमको चाहिए राई, 1 सूखी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और पानी, और हमको तलने के लिए तेल चाहिए। अब हम सब सारे सामग्री को मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया है। अब इसमें सूजी ऐड कर लेंगे और सारे मसाले ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें सारे सब्जी भी ऐड कर लेंगे। मैंने सारे सामग्री ऐड कर लिया है। अब हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे। इसको एक चम्मच की सहायता से या फिर हैंड ब्लेंडर की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जी ऐड कर सकते हो और सब्जी कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। मैंने सारे सामग्री को मिक्स अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट में छोड़ देंगे। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, बेसन से भी बना सकते हो, लेकिन सबका टेस्ट अलग अलग आएगा। मैं फिर दूसरे नेक्स्ट वीडियो में इसको बेसन से और आटे से भी बनाकर आपको दिखाऊंगी। और इसको बच्चों को टिफ़िन में भी आप दे सकते हो, ये बहुत ही हेल्दी है। आप इसको टमाटो सॉस के साथ खा सर्व कर सकते हो। हमारा बैटर ढककर रेस्ट में रखने को 10 से 15 मिनट हो चुका है। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये काफ़ी फूल चुका है। इसी वक्त आप इसका नमक टेस्ट कर लें, कम हो तो अभी इसमें नमक मिला लें। अब हम इसमें तड़का लगा लेंगे। इसमें तड़का लगा लेने से क्या है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तड़के के लिए हम गैस ऑन करके एक बड़े चम्मच में तेल गरम कर लेते हैं। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया। अब हम इसमें ऑयल वाला चम्मच रख लेंगे। हमारा ऑयल को अच्छे से गरम होने के लिए देंगे। गरम हो जाने के बाद इसमें हम तड़के की सामग्री ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो तड़का पैन में भी इसे कर सकते हैं। अब हमें लाल मिर्च, तेल और थोड़ा सा गरम होना छोड़ देती हूँ। अब मेरा ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। करी पत्ता और राई ऐड कर लेती हूँ। अब गैस का फ्लेम बंद कर लेती हूँ। अब हम इसमें ऐड करके इसको ढक देंगे। फिर 5 मिनट के बाद हम इसको खोलकर मिला लेंगे। ढक देने से क्या है, इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से अंदर आ जाएगा और इसका स्वाद दो गुना बढ़ जाएगा। तड़का लगाने को 2 मिनट हो चुका है। अब हम प्लेट खोल लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। मैंने इसमें तवा रखा हुआ है पहले से। हमारा तवा अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें ऑयल लगा लेंगे। मैंने गैस पे तवा रख लिया है। अब गैस ऑन कर लेते हैं। इसको ब्रश कर लेंगे ऑयल में। अब आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
मैं इसमें एक ही इसी के हिसाब का बैटर डालूंगी, डाल के इसको अच्छे से चला लेना है और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। इसको फैला लेने के बाद हमको ऊपर से ढक्कन बंद कर देना है। मीडियम फ्लेम में बनाने से अंदर दिया हुआ सब्जी भी वो अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसका ढक्कन बंद कर लेते हैं। बंद कर थोड़े देर के लिए पकने के लिए इसे छोड़ देते हैं। पकने को 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन निकाल लेते हैं। अब हम हल्के से ऊपर से ब्रश कर लेंगे और फिर इसको पलटा लेंगे। अब हम इसको पलटा लेंगे। हमको दोनों तरफ से अच्छे से सीख लेना है। इसी तरह से हम लोग सारे बैटर का बना लेना है हमको। अब हमारा दोनों तरफ से पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह से सारे बैटर का बना लेंगे। अब हमारा ये डिश बनके तैयार हो चुका है। आप इसको घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। थैंक यू।